खबर इस वक्त सिवान से आ रही है, जहां करीब 200 लोग बीमार पड़ गए हैं, जिससे इलाके के लोग दहशत में हैं। श्राद्ध क्रम में खाना खाने के बाद सबकी हालत बिगड़ी है। सभी का इलाज विभिन्न अस्पतालों में चल रहा है। वहीं अस्पतालों में बेहतर सुविधा नहीं मिलने से ग्रामीण आक्रोशित है। दरौंदा थाना क्षेत्र के लोपर गाँव की ये घटना है, जहां बीते दिन श्राद्ध क्रम में खाना खाने से 200 से अधिक लोग बीमार हो गए, जिनका इलाज दरौंदा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और कुछ लोगों का इलाज प्राइवेट क्लिनिक में चल रहा है। वहीं जब बीमार लोग इलाज कराने के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में आए, तो वहां एक भी डॉक्टर नहीं थे और न ही समय से उन लोगों को दवा मिला, जिसके बाद ग्रामीणों ने अस्पताल में हल्ला हंगामा शुरू कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही सिवान सिविल सर्जन डॉक्टर यदुवंश कुमार शर्मा घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की जांच की। सिविल सर्जन ने जांच के दौरान कई कमियां पाई। सिविल सर्जन ने बताया कि यहां लाइट, शौचालय, साफ सफाई की गंभीर स्थिति है। साथ ही प्रखंड प्रमुख पति रवि सिंह और स्थानीय ग्रामीणों ने सिविल सर्जन से शिकायत की कि अस्पताल प्रबंधक अंजनी कुमार और अस्पताल प्रभारी डॉक्टर पवन कुमार अस्पताल में समय से नहीं आते हैं और आज उनका प्रभारी का ही अस्पताल में ड्यूटी है। घटना की जानकारी मिलते ही सिवान जिला अधिकारी अमित कुमार पांडे ने भी एक टीम का गठन किया, जो गांव में मेडिकल टीम जाकर जांच कर रही है। तो बड़ी खबर आप देख रहे हैं, दरौंदा थाना क्षेत्र के लोपर गाँव का मामला है, जहाँ बीते दिनों श्राद्ध क्रम में खाना खाने लोग गए थे, वहीं 200 लोग बीमार पड़ गए हैं। श्राद्ध क्रम में खाना खाने के बाद 200 लोगों की तबीयत खराब हो गई है और सभी को इलाज के लिए स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती किया गया है, तो कुछ लोग प्राइवेट में भी इलाज करा रहे हैं। दरौंदा थाना क्षेत्र के लोपर गांव की ये घटना है, जहां बीते दिन श्राद्ध क्रम में खाना खाने से 200 से अधिक लोग बीमार पड़ गए हैं। जानकारी मिलने के बाद सिवान डीएम अमित कुमार पांडे ने भी एक मेडिकल टीम का गठन कर दिया है। मेडिकल टीम गांव में जाकर जांच कर, यहां पे लगभग 2 घंटा या 3 घंटा लगभग हो गया, लोग यहां पे आए हुए। बगल के रमसापुर पंचायत से एक लोपर गांव है, उस गांव में बहुत से लोगों की तबीयत आज खराब हुई है। किसी को डायरिया है, किसी को लूज मोशन है, कुछ लोग तो प्राइवेट इलाज करवा रहे हैं। उसका वजह यह है कि सरकारी अस्पताल में किसी भी तरह की कोई व्यवस्था नहीं दी जा रही है। लोगों को ये कहा जा रहा है कि ये एक दवा है, बाकी टोटल दवा आप बाजार से खरीद कर लावे और अपना इलाज करवावे। बहुत ज़्यादा कुछ कहने के बाद ये लोग कुछ दवा मंगवाए। यहाँ पे जब इनको क्या कहते हैं मैनेजर साहब को कहा गया, फोन किया गया, वो 2 बजे से यहाँ अनुपस्थित हैं। साथ ही साथ हमारे दरौंदा PSC के जो प्रभारी हैं वो हर दिन यहाँ नदारद हैं। पवन कुमार उनका नाम हुआ और हर दिन नदारद है, जिसके चलते यहाँ पे मरीज आने से भी डरते हैं कि किस लिए वहाँ जाएं, वहाँ मरेंगे या जिएंगे हम लोग। बोले आप अभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में आए हुए, क्या तरह की स्थिति आपको दिख रही है? देखिए, अभी रामसापुर पंचायत के लोपर गांव में 2 दिन पहले एक भोज हुआ था, जिसमें फूड प्वाइजन की आशंका है। उसमें हॉस्पिटल में लोग आए और गाँव में भी लगभग 400 के करीब लोग बीमार हैं। जब हम लोग प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में आए तो यहाँ पर न पानी है, न सुई है, न कोई दवा की व्यवस्था है। इस तरह का यहाँ पर है, यहाँ पे डॉक्टर भी अनुपस्थित पाए गए हैं। इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। हम हेल्थ मैनेजर से बार बार नहीं मिलती है, इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है? मेरी बहुत बुरी प्रतिक्रिया होगी, जब हम सिविल सर्जन हैं और हमें मिल जाए ये शिकायत, तो इसको दूर करना मेरी प्राथमिकता है, मेरी जरूरत है, मेरा कर्तव्य है। यहाँ सर समय से ये डॉक्टर भी उपस्थित नहीं रहते हैं, उसको भी ठीक करेंगे। बहुत सी चीज़ें बहुत दिन बाद पता लगती हैं जी, ठीक क्यों नहीं करेंगे? अभी यहाँ 7 लोग भर्ती हैं, जिसमें 5 को पानी लगा हुआ है, और जैसे एक ग्राम में भोज हुआ था उसके खाने के बाद ही अधिकतर लोग इसमें बीमार हुए हैं। अतः ये मुख्यतः बैक्टीरियल कॉन्टामिनेशन, जो फूड पॉइजनिंग भी कह सकते हैं, उसी के कारण हुआ होगा। लेकिन अभी 5ों की स्थिति अच्छी है, ऐसा नहीं कि ठीक नहीं होंगे, समय लग के सभी ठीक हो जाए। चले आइए सिवान शहर स्थित DAV कॉलेज मोड़ के निकट महाकाल कंप्यूटर्स में, नामांकन प्रक्रिया जारी है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 7004। चिकित्सा के क्षेत्र में करियर बनाना हुआ आसान, बने इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सक अधिकृत। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
निम्स इलेक्ट्रो होम्योपैथी कैंसर रिसर्च हॉस्पिटल, साथ ही कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी के इलाज कराने के लिए अब आपको बड़े शहरों में जाकर भटकना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपके अपने शहर सिवान में कैंसर का सफल इलाज होता है। जी हाँ, डॉक्टर मोहम्मद इंतखाब परवेज के यहाँ हर्बल से निर्मित इलेक्ट्रो होम्योपैथी द्वारा कैंसर जैसी बड़ी और खतरनाक बीमारियों का सफल इलाज किया जाता है। सभी प्रकार के कैंसर की बीमारियों में सफलतापूर्वक इलाज के लिए आज ही संपर्क करें डॉक्टर मोहम्मद इंतखाब परवेज, सिसवन ढाला, लक्ष्मीपुर, सिवान। संपर्क नंबर है 9472250677।